हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपके इंग्लिश की क्लास 8 की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे इंग्लिश की, जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। देखिए, आपकी 1 सितंबर की यह वर्कशीट है, 1 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। टॉपिक सभी बच्चे लिख लेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4, ठीक है। अब आपकी इंग्लिश की इसमें क्या अनसीन पेसेज दिया गया है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, देखिए मेरा दूसरा जो चैनल है सुजीत सिंह, उस पर बच्चों जल्दी ही व्लॉग की वीडियो आने वाली है, तो सभी बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आप उस पर पार्टिसिपेट कर सको और उस गिफ्ट को जीत सको। अनसीन पेसेज दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू द एफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल हेल्प इन द लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। इट इन्वॉल्व अ वेल प्लान्ड प्लान ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू 8 400 400 400। ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें, चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। रिड्यूस द डेंजर्स कोर्स बाय द डिजास्टर टू मिनिमम। देखिए इसमें कहा जा रहा है, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो क्या रेफर करता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट निकालता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके रिसोर्सेज को लेकर आए, जिससे वो मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। और लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, मतलब लोगों को सिखाए, उन्हें बताए कि वो कैसे कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व अ वेल प्लान्ड, ठीक है, ये एक वेल प्लान्ड होना चाहिए, मतलब पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हमें ऐसा करना होगा, ठीक है। फॉर एक्शन, हमें ये एक्शन लेना होगा, सो वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर्स, ठीक है, कॉज बाय द डिजास्टर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर जो आता है उसे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रिड्यूस करना बोला, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिजास्टर मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरी एलिमिनेट द थ्रेट कम्प्लीटली। देखिए कहा जा रहा है कि जो डिजास्टर आपका है, मैनेजमेंट जो है, वो किसी भी डिजास्टर को हमेशा के लिए एलिमिनेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसको डिक्रीज कर सकता है। बट इट डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के इम्पैक्ट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इट फोकस ऑन द फॉर्मुलेटिंग स्पीसीज प्लान्स टू डू सो, तो इसलिए ये लोग किस पे फोकस करते हैं, कुछ एक्टिविटी, जिससे वो लोग ऐसी कोई एक्टिविटी करें, ऐसे कोई प्लान बनाए जिससे कि वो लोग बच सकें हर कोई। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर ऑफ द कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन अ नंबर ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीज द रेस्पॉन्सिवनेस। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है NDMA, ये क्या करती है, प्रोग्राम रन करती है किसके लिए, किसके रिस्क को कम करने के लिए, डिजास्टर के, और रेस्पॉन्सिवनेस होती है, इंक्रीज करती है, सबको एक तरीके से अवेयर करती है, ठीक है। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन वी मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ द प्रीकॉशनरी मेजर टू टेक व्हेन दे फेस इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए पीपल को क्या ये समझाना चाहती हैं, सिटीजन्स को अवेयर करती हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो कैसे उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आप लोगों को स्कूल में भी सिखाया होगा कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो आप अपनी बेंच के नीचे बैठ जाइए, ठीक है, आप खाली ग्राउंड में चले जाइए, ठीक है, अपने अपने आप को सेफ करने के लिए आपको कोई हार्ड चीज़ के नीचे बैठनी है, जिससे कि कोई चीज़ गिरे तो उससे आप सेफ रह सकें, ठीक है। दस द NDMA नीड्स टू टेक मोर ऑर्गेनाइज एफर्ट टू डिक्रीज द डैमेज एंड दैट डिजास्टर आर कॉजिंग, ठीक है। वो अपना पूरा एफर्ट्स लगा देती है किसको डैमेज डिक्रीज करने में, डैमेज होगा डिजास्टर से जो भी चीज़ डैमेज होती है उसे बहुत कम करने की वो कोशिश करती है। इफ़ ऑल द सिटीजन लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्फ एंड इफ द गवर्नमेंट टेक मोर रेस्पॉन्सिव मेजर वी कैन सोल्वली अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए और आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों इसी वर्कशीट में है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डज डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू, ठीक है बच्चों,
तो देखिए इसका आंसर आपका इसी में दिया गया, तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर हैंड टू हैंड आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट का मैं आंसर आपको बता देता हूँ, यही दिया गया आपका, अब देखिए आपको यहां से लिखना है बच्चों, यहां से आंसर नंबर वन, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर वन हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड आपको पूछा गया है कि व्हाई डू वी नीड अ वेल प्लान्ड ऑफ एक्शन, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर जस्ट आपका इसके आगे दिया गया, ये रहा सेकंड का बच्चों आंसर दिया गया है, इट इन्वॉल्व अ वेल प्लान ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस डेंजर कोज बाय डिजास्टर टू मिनिमम, ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड आपका दिया गया व्हाट इज एनडीएमए रेस्पॉन्सिबल, एनडीएमए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो देखिए इसका भी दिया गया है आपका द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आप एक तो फुल फॉर्म लिख दोगे इसकी यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक बच्चों, ये आपका कौन सा हो गया आंसर नंबर थर्ड, ठीक है, सभी बच्चे थर्ड कर लेंगे। अब चलते हैं आपका फोर्थ पे, व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर आर एन अर्थक्वेक, ठीक है। देखिए मैंने आपको वही बताया था कि हमें क्या करना है, अपने आप को किसके नीचे सेव करना है, बेड और टेबल के, ठीक है। देखिए फॉर इंस्टेंट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक बच्चों ये आपका फोर हो गया, ठीक है। आप लिखोगे इसमें फॉर इंस्टेंस एवरी वन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर अ बेड और टेबल वेन एवर देयर इज एन अर्थक्वेक, ठीक है, ये फोर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे आपका फाइव, हाउ कैन वी सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन, देखो आपको यहां से लिखना है बच्चों, इसका आंसर यहीं पे है, ये रहा आपको यहां से लिखना है आंसर नंबर फाइव, इफ ऑल द सिटीजन लर्न बेसिक वेज टू सेव देमसेल्फ, इफ द गवर्नमेंट टेक मोर रेस्पॉन्सिव मेजर वी कैन श्योरली अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइव हो गया यहां से लेकर यहां तक। तो बच्चों आपको मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन करा दिए, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसमें दिया गया है हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी, ये बच्चों सुनामी दिया गया है, लास्ट वर्कशीट से हमें बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। देखिए डॉग मास्टर क्यों बच गया था, तो इसमें आप लिख दोगे बिकॉज डॉग रिफ्यूज, क्योंकि उसने क्या है बच्चा, डॉग ने मना कर दिया था उस दिन जाने से, फोर उसने किसके लिए मना कर दिया था, फोर देयर रूटीन मॉर्निंग वॉक, रूटीन मॉर्निंग वॉक, कहाँ जाता था वो वॉक पे, टू द बीच, टू द बीच, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मास्टर बच गया, खुद भी बच गया और वो डॉग भी बच गया, ठीक है। व्हाट हैपन एट द पतंगला बीच व्हेन सुनामी केम, ठीक है, पतंगला बीच पे क्या हुआ था जब सुनामी आई थी, देखो एक घंटे पहले एन आर बिफोर उन लोगों ने क्या देखा था, पीपल सा थ्री एलिफेंट रनिंग अवे, कहाँ चले गए थे वो, कहीं दूर चले गए थे फ्रॉम द बीच,
फ्रॉम द बीच। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका दिया गया है व्हाई डिड द एनिमल नॉट डाई इन याला नेशनल पार्क। ठीक है, व्हाई डिड द एनिमल नॉट डाई इन याला नेशनल पार्क। ठीक है, पीपल किस में बिलीव करते हैं कि बिलीव दैट एनिमल्स हैव सिक्स सेंसेस, उन पे क्या सिक्स सेंसेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे माइग्रेट। इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ से, जहाँ पे दे माइग्रेट फ्रॉम याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका दिया गया है व्हाट इज सुनामी, सुनामी क्या है। तो अ वेरी लार्ज वेव इन द सी विच डिस्ट्रॉय थिंग्स। ठीक है, ये एक क्या होती है, बहुत बड़ी वेव आती है समुद्र के अंदर, जो क्या करती है, चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट डिड टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी लेसन में उसने क्या पढ़ा था। Learn about tsunami किसके बारे में उसने पढ़ा था, टिली लर्न अबाउट सुनामी। देखो इसमें आप लिखोगे सुनामी काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसने ये सुनामी तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बारे में ये पढ़ा था कि सुनामी आने से पहले क्या होता है, तो आप लिखोगे टिली लर्न अबाउट व्हाट हैपन बिफोर सुनामी। ठीक है, सुनामी आने से पहले क्या होता है, उसने ये पढ़ा था, तो इसलिए उसने क्या लगा लिया था, आइडिया लगा लिया था कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। ठीक है, इन हर ज्योग्राफी लेसन। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गया, तो सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन बाय, बी सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।